हमारी उलमाओं को छोड़ और दो, हमारी उलमाओं को छोड़, दिलवेजों को परमानेंट करो, दिलवेजों को परमानेंट करो, एसपीओ को रेगुलाइज करो, एसपीओ को रेगुलाइज करो, दिलवेजों को। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। दिल्ली जंतर मंतर के बाहर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर कश्मीर से बब्बर शेर जो है वो इस वक्त दिल्ली में जंतर मंतर के बाहर पहुंच चुके हैं और यहां पर एसपीओ को लेकर और साथ साथ जम्मू कश्मीर की में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर और साथ साथ डेली वेजर्स के मुद्दे को लेकर यहां पर जोरदार प्रोटेस्ट यहां पर करते हुए और जंतर मंतर के बाहर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कश्मीर से बब्बर शेर इस वक्त दिल्ली में यहां पर पहुंच चुके हैं और गूंगी बहरी सरकार को यहां पर जोरदार प्रोटेस्ट करके जगाने की कोशिश यहां पर करते हुए। और दो, हमारी उलमाओं को छोड़, दिलवेजों को परमानेंट करो, दिलवेजों को परमानेंट करो, एसपीओ को रेगुलाइज करो, एसपीओ को रेगुलाइज करो, दिलवेजों को परमानेंट करो, हमारे जेएनके का यूथ को रोजगार दो, जेएनके का यूथ को रोजगार दो, हमारे जेएनके पुलिस को रेगुलाइज करो, जेएनके पुलिस को 17,000 अलाउंस दो। We want justice. We want justice. होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनजी एडमिशन होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बब्बर शेर जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आप दिल्ली में यहाँ पर जंतर मंतर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुँचे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इसीलिए आज हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट पर बैठ गए थे कि मैं मरकजी सरकार को जगाना चाहता हूँ कि सरकार ने आज तक जो जम्मू कश्मीर के साथ सुतुली माँ का सुलूक कर रहे हैं, इसलिए आज हम जंतर मंतर पे हम बैठे धरने पे बैठ गए। एक तो हमारे जो पीजी करके डिग्री करके हमारे नौजवान आज ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए रोजगार देना चाहिए। और दूसरा डिमांड है कैजुअल लेबर डिलीवेजर जो सड़कों पर है। तीसरा डिमांड है हमारा जेएनके एसपीओ, हमारा प्राइवेट साफ लाखों की सूट पहनते हैं, मेरा एसपीओ 5,000 सैलरी लेती है और जेएनके पुलिस 17,000 ऋषि कॉलोनी मिलना चाहे। और छह माह डिमांड हमारे एटीएम गार्ड्स उनको सैलरी बढ़ाना चाहे। और सबसे बड़ा डिमांड है जो हमारी उलमा आज जेलों में है, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं उनको पूरी तौर रहा किया जाए। और साथ ही जो मीर मईज उमर फारूक नजर बंद है उनको मैं हाथ जोड़कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं उनको रहा कर दिया जाए। जो हाल ही एलजी साहब ने श्रीनगर में बयान दिया मीर मईज उमर फारूक वो नजर बंद नहीं है, हाल ही वो नजर बंद है, 3 साल से वो नजर बंद है। मैं एलजी साहब से और आज इसीलिए हम जंतर मंतर पर बैठने के लिए आए कि सरकार को हम जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में हालात बनी है वो दिन में दिन हमारे हालात जम्मू कश्मीर में बदतर हो रहे हैं। एक तो हमारे जो जम्मू कश्मीर का पीजी करके डिग्री करके हमारे नौजवान ड्रग्स की तरफ जा रही है, दूसरा कैजुअल लेबर डिलीवेजर उनको रेगुलाइज करना चाहिए, तीसरा डिमांड हमारे एसपीओ को रेगुलाइज करना चाहिए, चौथा डिमांड हमारे जेएनके पुलिस को उनको 17,000 स्कूल मिलना चाहिए, और पांचवा डिमांड हमारा ये एटीएम गार्ड्स उनको सैलरी बढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ा डिमांड ये है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर में उलमा बंद है, जेलों में बंद है, पूरी तौर में हाथ जोड़कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं उनको पूरी तौर रिहा किया जाए। खासकर मीर वाइज साहब 3 साल से नजर बंद है, उनको रिहा कर दो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। हमारे 4 उलमा बंद है और मीर वाइज साहब नजर बंद है। मैं हाथ जोड़कर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूं उनको पूरी तौर रिहा किया जाए। जो आजकल सेंटर में मरकजी सरकार बैठे हैं वो गूंगी सरकार है, वो बहरी सरकार है, किसी की फरियाद नहीं सुनते। आज इसीलिए हम धरने पर बैठ गए जंतर मंतर पे क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट साहब पूरे हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट साहब हमारा फरियाद सुनेंगे। हम मेरा रिक्वेस्ट यही है।